स्वागत है सही योगी माइनक्राफ्ट की नई दुनिया में। इस नए सीरीज में हमारे होस्ट यानी कि मैं आज पहली सर्वाइवल सीरीज शुरू करने वाला हूँ। प्रकृति के प्रति लड़ते हुए और चुनौतियों को पार करते हुए निर्माण करने वाले हैं अद्भुत चीजें। तो लेट्स स्टार्ट। माइनक्राफ्ट में पहला दिन और पहला गेम होने के बावजूद मेरे को पता है इस गेम में लकड़ियों की कितनी अहमियत है। या मैंने लकड़ी काटने का सीन काट दिया क्योंकि काटना ही मेरा काम है। अभी मेरी तलाश है एक विलेज और एक प्लेन बायो जिसकी मदद से मुझे गेम में एक अच्छी रफ्तार मिलेगी। और यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे पहले दिन ही प्लेन बायो मिल चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी रात हो चुकी है और रात में बहुत मच्छर दौड़ते हैं। मुझे मच्छर से मलेरिया हो जाएगा इसलिए मैं सो रहा हूँ, आप भी सो जाइए। सही योगियों, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना स्टोन ना ही आयरन के पिकेक्स तलवार। मेरे को ग्राइंडिंग शुरू करनी पड़ेगी। गाइस लगता है गेम में कोई और बंदा भी आ चुका है। ये बंदा ये तो मेरा ही फ्रेंड है, भूल गया। सही योगियों, बंदा कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, मुझे शायद दे देना चाहिए। भाई लोग थोड़ी देर रुक जाता है, इधर सर्वाइवल सीरीज तो चलती रहेगी, भाई चली रहनी चाहिए। वक्त बहुत बीत रहा है लेकिन ये बंदा आने का नाम ही नहीं ले रहा। अजीब सा बंदा है, आएगा तो मुंह तोड़ दूंगा। आखिरकार ये बंदा आ ही गया। कर क्या रहा है उधर, नाच गाना, आओ भी इधर आओ, जल्दी सामान समेटो, कुछ है नहीं, यही है संबल। सही योगियों, हमें मिल चुका है एक बेहतरीन अड्डा। ये किस चीज़ का अड्डा होता है वैसे मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, गूगल देख के आता। रुक जाओ। सही योगियों, मुझे अभी गूगल से पता चला कि ये अड्डा है विलेजर के चचेरे भाई पिलेजर का। ये पिलेजर लोग जंगल में जाके लड़कियाँ चुरा के लाते, लकड़ियाँ चुरा के लाते हैं। और गूगल की माने तो ये बिल्कुल शांत स्वभाव के नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे साइड से ही चले जाना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेंगे कभी और। विलेजर के चचेरे भाई विलेजर से मिलने के बाद मेरा सच में मन है अभी एक असली विलेजर से मिलूँ, उससे दो चमाट बैठाऊँ। मुझे समझ नहीं आता ये गेम इतना अजीब क्यों है, हर तरफ ये अजीब से डब्बे बने हुए हैं, एक एक चीज़ डब्बे से बना हुआ है, दिमाग नहीं वो भी डब्बा है। सही योगियों, आखिरकार मुझे मिल गया। जिंदगी नरक है, हर जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। इस गेम में बहुत अजीब अजीब से सिचुएशन मेरे को देखने को मिले। इधर एक सफ़ेद बड़ा आदमी है जो मेरे को अजीब तरीके से घूर रहा था, और इधर कुछ बंदे हैं जो सिर्फ दो ही वर्ड बोलते हैं, हाँ। पता नहीं इन्हें क्या प्रॉब्लम है, अभी रात होने वाली है लेकिन इनके पास कुछ सामान है जो मुझे चाहिए होगा, उसको लेने के बाद मिलते हैं। तो या भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है इस वीडियो में कुछ खास नहीं था लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है सर्वाइवल सीरीज़ का। अभी और भी चीज़ें आएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, तब बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सी यू।